नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुड़गांव में लगभग 141 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं नामत बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर तथा मुख्य बस अड्डे पास बनाए गए महावीर चौक अंडर पास प्रदेशवासियों को अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले गुड़गांव को एक विकसित शहर बनाने की जो योजना शुरू हुई थी उसमें अब तक का अध्याय जो है जुड़ गया है। समर्पित गई परियोजनाओं से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बसई फ्लाईओवर का फीता काटकर उसका उद्घाटन किया जाएगा और उन्होंने किया भी। इसके बाद उन्होंने वहीं आयोजित कार्यक्रम में दोनों परियोजनाओं पर देशवासियों को समर्पित भी की। इस मौके पर गांव बसई के मौजूद व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर बसई तथा आसपास के क्षेत्र वासियों की तरफ से सम्मानित भी किया। जैसा ये कहा कि एक गुरुग्राम का वो नक्शा मैंने देखा है 90s का, 90-91-92 में कभी ना कभी छोटे बड़े काम के लिए गुड़गांव आना होता था। फिर 2005-06 का जो नक्शा, उस समय आबादी तो बढ़ने लग गई लेकिन विकास इतना आधा अधूरा था कि लगता था कि ये आगे जाके इसका कुछ सुधार भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2014 तक इस गुरुग्राम को एक काम धेनु एक गाय का दूध निकालने में तक ही सीमित रखा गया कि इस गाय का दूध चुन को इतना चुना है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। बनाई गई वो भी आधी अधूरी बनाई गई। हमने आने के बाद पूरी योजनाओं को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले GMDA का गठन किया कि इतना बड़ा विस्तारित ये शहर हो गया है, इतना फैलाव हो गया है कि बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर हर चीज यहाँ से चंडीगढ़ से चलती रहेगी तो ये शहर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए पूरी अथॉरिटी दे करके हमने यहाँ GMDA का गठन किया है कि अब फाइलों को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, जो काम होंगे यहीं शुरू होंगे, यहीं उनको परमिशन होगी। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा का फूल खिल गया है। भाजपा के भव्य बिश्नोई ने शानदार जीत हासिल की है। भव्य अगर देखा जाए तो ये 17वें विधायक गिने गए हैं। भव्य बिश्नोई ने पहले राउंड से ही पूरी तरह से बढ़त बनाए रखी। आदमपुर के कुल 180 मतदान केंद्रों में से 1,71,754 मतदाताओं में से 1,31,401 मतदाताओं ने जो मतदान किया और कुल अगर देखा जाए तो 76.51% मतदान हुआ। भव्य 15,000 वोटों से जीत गए और इस सीट पर सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड है जो भजन लाल के नाम अब तक बरकरार रहा। जब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अगर देखा जाए तो फरवरी 2005 में इनेलो के राजेश को 71,081 वोटों के विशाल अंतर से हराया था जो रिकॉर्ड आज तक कायम बना हुआ है। भजन लाल ने इस सीट से वैसे तो कुल 9 चुनाव जीते परंतु उन्हें 8 बार विधायक माना जाएगा क्योंकि मई 2008 में उन्होंने 11वीं विधानसभा सभा के दौरान ही उपचुनाव भी जीता जिस विधानसभा में वह पहले भी विधायक निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार उनका विधायक के तौर पर एक ही कार्यकाल होगा तो कुलदीप इस सीट से 4 बार और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और माता जसमा देवी 1 बार जीते और आज कुलदीप के पुत्र भव्य की जीत से इस सीट पर भजन लाल जो परिवार है उनकी 16वीं जीत एक तरह से पूरी तरह से बन चुकी है। कलायत विधानसभा के कलायत नगर में 6 सेंटरों में परीक्षार्थियों ने सीटी की परीक्षा दी जिसे लेकर प्रशासन ने चारों ओर पूरी तरह से प्रबंध से जो सख्त तरीके से किए। वहीं 500 मीटर की परिधि में सभी दुकानें बंद रही, यहां तक रेड़ी फड़ी लगाने पर भी पाबंदी रही। उपमंडल के DSP सज्जन कुमार खुद कमान संभाल रहे थे। वहीं परीक्षा केंद्रों के दूसरे और थाना प्रभारी बलदेव सिंह मलिक पुलिस टीमों के साथ कमान संभाल रहे थे। कपिल मुनि महिला कॉलेज, ITI, निर्मल स्कूल, शिक्षा भारती, बाल विकास स्कूल में परीक्षा का आयोजन किया गया और 2 दिन 2 शिफ्टों में होने वाली इस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के साथ साथ परिजन भी डेरा डाले हुए हैं। हालांकि दूर दूर से आने वाले परीक्षार्थियों को बस न मिलने की वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो पहले कहा गया था कि परेशानी जो है नहीं होगी और फ्री में बस पास मिलेंगे, लेकिन ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला।
करनाल में जानी हेड पर चार दिन बाद मिले लापता जेई दीपक की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका तक जता दी है। आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने करनाल में एनडीआरआई चौक के पास सड़क पर जाम लगा दिया है। जाम लगने की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का पूरा प्रयास किया लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। अधिकारियों ने आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने का आश्वासन दिया जिसके बाद उन्होंने जाम खोल दिया और ग्रामीण पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे हुए हैं जहां दीपक के शव का पोस्टमार्टम है जो किया जा रहा है। 31 तारीख की शाम को गगसीना गांव के रहने वाले हैं दीपक जई। वो अपने घर से लापता हुए थे। फर्स्ट को सुबह हमारे को पुलिस स्टेशन मुनक में इन्फॉर्मेशन मिली थी जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने FIR रजिस्टर कर दी थी। जो घर वालों के इनपुट्स थे और पुलिस के अपना डेटा कंपाइल किया उसके बेसिस पे हमने 5 दिन काम किया। कल शाम को जहाल हेड के ऊपर डेड बॉडी एक रिवर के अंदर मिलने की इन्फॉर्मेशन मिली थी जहाँ मौके पे पहुँचे और विक्टिम जेई के फैमिली मेंबर्स को गांव से बुलाया था जिन्होंने वहाँ से आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके उन्होंने मॉर्चरी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आए थे। आज वेट कर रहे हैं एक बार घर वालों का, जैसे ही उनकी स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट के ऊपर आगे पोस्टमार्टम करा के और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें प्रोसीड करेंगे। टोहाना के कुल्ला गांव के खेतों में रखी पराली की गांठ में देर रात्रि अचानक आग लग गई जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां लगी रही। हवा तेज होने के चलते आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका जो करीब 8 घंटे से जारी है और जानकारी के मुताबिक गांव कुल्ला के खेतों में किसानों द्वारा पराली को जलाने की बजाय गांठ बांध कर रखा गया था ताकि उसे बेचा जा सके लेकिन देर रात्रि करीब 11 बजे पराली की गांठ में अचानक आग लग गई तथा हवा तेज होने के चलते यह आग आसपास के करीब 10 एकड़ में खेत में रखी पराली में भी फैल गई। सर ये आग का कारणों का भी पता नहीं चला पर रात के लगभग 9:30 बजे से ये आग लगी हुई है और आग लगने से एक स्टैक में आग लगी थी जिसके कारण आग बढ़ती बढ़ती लगभग 12 से 13 स्टैकों में आग लग गई है और आग के कारण मेरे ख्याल से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है जिसका मौके पर अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता। लगभग 7 गाड़ियां मौके पर थी, एक फतेहाबाद से, एक रतिया से, एक भुन्ना से, एक जाखड़ से, एक धारसुल से, 2 टोहाना से गाड़ियां और गाड़ियों ने मौके पर आकर बचे हुए माल को बचा लिया गया। अगर ये माल गाड़ी ना आती तो ये माल भी जलकर स्वाह हो जाता। ऑलरेडी आग काफ़ी भयानक है और विकराल रूप ले चुकी है। बड़ी मशक्क़त के साथ इस पर काबू पाया गया है पर आग बुझ नहीं पाई है। ये तो आग जल के ही बुझेगी परंतु और आगे से नुकसानों से बचाया गया। सेवा संघ पिंजौर के द्वारा गीता भवन कालका में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव आयोजन किया गया। श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन नगर परिषद पार्षद वार्ड नंबर 26 के कपिल घई के द्वारा किया गया जिसमें काफी संख्या में लोगों ने खाटू श्याम जी के आगे माथा टेका और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। संजय कोहली, विकी गर्ग, शिवम मित्तल द्वारा गाए श्याम बाबा के भजनों से सभी भक्त झूम उठे। श्री श्याम बाबा के भजनों से पंडाल भक्ति में भी हो गया। सभी आए हुए भक्तों ने श्री श्याम बाबा का लंगर भी ग्रहण किया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पड़ोसियों ने एक सरकारी टीचर को घर में घुसकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। घटना नेशनल हाईवे पर स्थित सिकरी गांव की बताई जा रही है जहां पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई। घायल को इलाज के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल में पुलिस ने दाखिल करवाया। दिखाई दे रही तस्वीर बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर सिकरी गांव की है जहां लाठी डंडे लेकर आए पड़ोसी टीचर पर उन्होंने घर में घुसकर हमला किया। घर में ही टीचर के परिवार ने सब्जी की दुकान चलाई हुई है और अस्पताल में भर्ती टीचर की माने तो वह सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर पोस्टेड है और उनके पड़ोसियों ने हम मशवरा होकर लाठी डंडों से घर में घुसकर जो हमला किया जिसमें उन्हें काफी चोटें आई उनमें उनकी मदद भी की। पुलिस के प्रवक्ता सुबे सिंह की बात की जाए तो उन्होंने माना है कि ये सिकरी वाली घटना है, दो परिवारों के बीच हुई है, यह जमीनी झगड़ा है और दोनों परिवार चाचा ताऊ के परिवार से हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये एक चाचा ताऊ का आपसी दुकान के ऊपर कोई झगड़ा है, कभी 15-20 साल पहले पंचायत की तरफ से जमीन अलॉट हुई थी दुकान वगैरह के लिए और सरकार की पॉलिसी के तहत, तो उसमें किसी एक ने कुछ ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण कर लिया था। इस संबंध में पंचायत ने उससे कुछ नोटिस वगैरह दिया था। उसके बाद इनका फिर आपस में भी चाचा ताऊ में झगड़ा हुआ है। उस चाचा ताऊ के झगड़े के संबंध में जो संजय हैं
जिनको चोट लगी है इनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो भी कार्रवाई की जा रही है, इसमें दूसरे पक्ष को भी कुछ चोट लगी है ऐसा बयान हुआ है जी, तो उनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसमें वेरीफाई करके जो भी आगे के नियम अनुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, इसमें जो जिसकी अरेस्टिंग बनती है। कैथल जिले की धान के कटोरे के नाम से मशहूर कलायत अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने मंडी की खरीद ना होने पर मंडी का दौरा किया और मंडी में भारतीय किसान के नेता गुरनाम सहारन ने ये कहा कि सरकार की नियत में खोट है, जो जमींदारों का शोषण करने पर तुली हुई है। सरकारी रेट को अगर दरकिनार कर उन्होंने जो पौने भाव में खरीद पर आमदा जो फाइनल किया है, किसानों की फसल बिक्री है जो वो कोई भी नियत नीति की नहीं है, जिससे किसानों को फसल के जो है प्राइवेट एजेंसियां पूरी तरह से लूट रही हैं। आज किसानों की शिकायत आई थी कि मंडी के अंदर जो सरकारी खरीद एजेंसियां हैं वो पीआर दान की बोली नहीं करवा रही, और आज जब आने के बाद देखा जो 30 और 29 तारीख की 31 तारीख की कटी हुई फसलें मंडी में आई हुई हैं, आज तक पड़ी हैं और वो सड़ चुकी हैं। उन फसलों को जो हवा भी नहीं दी गई, उछाड़ करके उसको पलटी मार करके, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है जो खरीद एजेंसी हैं और सरकार के जो विभाग हैं उनके अंदर कोई मिलीभगत का लगता है कि वो मिलीभगत किए हुए हैं, गोल मोल तरीका जो किसान और के साथ अपनाए हुए हैं। मोगा के गांव सिंगावाला में कल शाम पहुंचे भाई अमृतपाल सिंह खालसा अमृतपान करवाने के उपरांत हरियाणा के करनाल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़े काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं। ये भी बता देते हैं कि कल भाई अमृतपाल सिंह अपने एक करीबी रिश्तेदार से मिलने मोगा गांव सिंगावाला पहुंचे और बाद में उन्हें जालंधर के नगर कीर्तन में शामिल होना था, लेकिन मोगा पुलिस ने उन्हें जालंधर नहीं जाने दिया क्योंकि सुधीर सूरी की जो हत्या की गई है उनमें उन्हें एक तरीके से दोषी पाया जा रहा है और उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया। बीच देर रात गुरुद्वारा भाई सेवा सिंह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि वह कल सिंगावाला में अमृतपान करवाने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे और वो हो भी चुके हैं। ये भी बता दें कि आज भाई अमृतपाल सिंह करीब 1 बजे गुरुद्वारा भाई सेवा सिंह हरियाणा के करनाल शहर में होने वाले कार्यक्रम के लिए एक बड़े काफिले के रूप में रवाना हो चुके हैं। हरियाणा न्यूज में अब तक इतना ही, कुछ और विशेष समाचारों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।